ये जिंदगी तो धार पेट की है दो मंच में साथ हैं स्वागत है। ये जिंदगी तो धार पेट की है दोस्तों क्या कहने जिस स्वार्थ के ही हाथों बिकी है दोस्तों निज स्वार्थ के बहुत बढ़िया हाथों बिकी है दोस्तों कर ले तू कुछ कर्म इस चलती इस जिंदगी में कर ले तू कुछ कर्म इस चलती इस जिंदगी में वरना समय के मार से पिटी है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वरना समय के मार से पिटी है दोस्तों बहुत बढ़िया ये जिंदगी दो धार पेट की है दोस्तों गम में भी मुस्कुराना तुम सीख लो यारों गम में भी मुस्कुराना तुम सीख लो यारों मौजों से गम की जिंदगी वाह क्या कहने भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मौजों से गम की जिंदगी टूट बहुत बढ़िया है दोस्तों ये जिंदगी दो धार पेट की है दोस्तों बहुत बढ़िया ये जिंदगी दो धार पेट की है दोस्तों बस प्रीत की ही रीत निभा ले तो इस जहां में बस प्रीत की ही रीत निभा ले तो इस जहां में क्योंकि ये सरेआम ही लूटी है दोस्तों क्योंकि ये सरेआम ही लूटी है दोस्तों ये जिंदगी दो धार पेट की है दोस्तों ये जिंदगी बदलती रंग रूप जाने कितनी ये जिंदगी बदलती रंग रूप जाने कितनी कभी त्याग के भी राह पर मिटी है दोस्तों कभी त्याग के भी राह पर मिटी वाह बहुत सुंदर पंक्तियां कभी चूम कर गगन के होठों को मुस्कुराती कभी चूम कर गगन के होठों को मुस्कुराती कभी भूख दायरे में सिमटी है दोस्तों क्या कहने भाई भूख दायरे में सिमटी है दोस्तों अंतिम पंक्तियां मैं अपने अध्यक्ष के लिए कहना चाहूंगी स्वागत है जो आज बहुत दिनों से इस काव्य गोष्ठी के लिए लगे हुए हैं और कभी इसको हारने नहीं दिया पढ़ते हैं किताबों में त्याग की कहानियां पढ़ते हैं किताबों में त्याग की कहानियां अरे सामने ही त्याग की मूर्ति है दोस्तों वाह क्या सामने ही त्याग बहुत बढ़िया शानदार शानदार कविता जिंदगी दो धार पेट की है दोस्तों निज स्वार्थ के ही हाथों बिकी है दोस्तों जिंदगी की हकीकत बयां करती है रचना बहुत बढ़िया हमारे कई बच्चों ने प्रेम पर आधार बहुत सारी कविताएं पढ़ी लेकिन मेरा मानना है कि प्रेम हमेशा त्याग और समर्पण करता है निश्चित जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रेम किया है राधा ने प्रेम किया है यशोधरा ने प्रेम किया है माँ सीता ने उनकी कुछ पंक्तियों के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ स्वागत है बढ़िया निश्चित रूप से प्रेम की परिभाषा अच्छा मैम इंटर कॉलेज में हम लोग शिक्षिका रही हैं क्या बात है बड़े सौभाग्य का क्या कहने भाई क्या कहने ये प्रीतेश उपाध्याय जी हैं जो एक स्कूल में प्राइमरी स्कूल में आप इंचार्ज हैं मैं सहायक अध्यापक हूँ ये कई पीढ़ियां हैं यहाँ काव्य एक कई रसों का संगम होता है तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह अपने आप को दबाकर अपने आप में सब कुछ सहकर अपने पति के मार्ग को कभी बाधक नहीं बनी और उन्हें अपने कर्म क्षेत्र में उतारने के लिए अपने आप को मिटा दिया क्या बात है तो
तो किस तरह से वो सोचती हैं। दूधिया सी चमक चांदनी रात में, दूधिया सी चमक चांदनी रात में, भाद्र मावस की काली घनी रात में, आंख तकती रही खो गया दिल मगर, आंख तकती रही खो गया दिल मगर, याद कर तेरी मीठी मधुर क्या कहने भाई क्या कहने, बहुत बढ़िया मीठी मधुर बात में। अगला बंद है। दिन दहकता या तारों भरी रात हो, दिन दहकता या तारों भरी रात हो, गम का आलम या खुशियों की सौगात हो, गम का आलम या खुशियों की सौगात हो, धड़कनों में तेरे नाम की धुन बजे, धड़कनों में तेरे नाम की धुन बजे, आंसुओं की भले दृग में बरसात, बहुत बढ़िया आंसुओं में भले दृग की बरसात हो, सिसकियों में भी तू हिचकियों में भी तू, सिसकियों में भी तू हिचकियों में भी तू, कल्पनाओं की परछाइयों में भी तू, कल्पनाओं की परछाइयों में भी तू, एक पल को भी ना दूर दिल से हुए, एक पल को भी ना दूर दिल से हुए, मेरी खुशियों और तन्हाइयों में भी तू, मेरी खुशियों और तन्हाइयों में भी तू। एक दिन राधा क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं, अभी उनको उम्मीद है। एक दिन उम्र ढलती रही, एक दिन उम्र ढलती रही, तेरी चाहत में आंखें सिसकती रही, तेरी चाहत में आंखें सिसकती रही, आओगे पास मेरे तुम्हें कि दिन पिया, पास आओगे मेरे तुम्हें कि दिन पिया, बस इसी आस में सांस चलती, बहुत बढ़िया बस इसी आस में सांस चलती रही। आगे उन्होंने उनके लिए क्या दुआ किया है। मैं हूँ उल्का तू ध्रुव है गगन का पिया, मैं हूँ उल्का तू ध्रुव है गगन का पिया, टूट कर भी तुम्ही से लगा है जिया, टूट कर भी तुम्ही से लगा है जिया, स्वप्न में भी मिलूं ऐसी चाहत नहीं, स्वप्न में भी मिलूं ऐसी चाहत नहीं, नाम से तेरे जीने का व्रत ले लिया, क्या कहने भाई, नाम से तेरे जीने का व्रत ले लिया, बहुत बढ़िया आपने, धन्यवाद। अब इतना